हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल सरकार और आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ टेक मिथ्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम सबको इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए हुए। तो मैंने सोचा कि कुछ टेक मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने देखा है कुछ चीज़ें इन कुछ दिनों में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अगर आप जो ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है या फिर जो रिसेंट टैब्स होते हैं उन सबको अगर आप क्लियर कर देते हैं तो उससे आपका फ़ोन फास्ट हो जाता है। मतलब ये तो एक पहली बात है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि रिसेंट ऐप्स अगर आप क्लियर कर देते हैं तो उससे फ़ोन फास्ट हो जाता है। ये तो एक है चीज़। कुछ अनाड़ी ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ोन से ब्राउजिंग हिस्ट्री भी उड़ा देते हैं। मतलब कुछ भी नॉर्मल से भी अगर उन्होंने कुछ सर्च किया हो तो वो भी उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया फ़ोन का स्टोरेज ले रहा है, मतलब वो फ़ोन को स्लो कर रहा है, जो भी है। देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आपके पास रहेगा तो अगर आपको मतलब फ्यूचर में कभी भी लगता है कि हाँ कुछ मैंने सर्च किया था उसको आपको दोबारा चाहिए, वो वेबसाइट आपको याद नहीं है, तो आप हिस्ट्री से जाकर उसको फिर से निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं हिस्ट्री। और अगर हम यहाँ पर बात करें रिसेंट टैब्स की, तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट टैब्स क्लियर करने से आप सोचते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो फास्ट हो जाता है, लेकिन उल्टा आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी एक एप्लीकेशन मान लेते हैं कि WhatsApp को अगर आपने अपने फ़ोन में अभी ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने उसको काटा नहीं, सिर्फ अपने होम पे बैक किया, मतलब होम बटन पे गया या फिर बैक किया, आपने इसको रिसेंट टैब से काटा नहीं, तो अब एक मिनट बाद, दो मिनट बाद या फिर कभी भी आप जब WhatsApp को ऑन करेंगे फिर से दोबारा, आपको मतलब आपने फ़ोन को रख दिया था साइड में लेकिन फिर से आपको चाहिए WhatsApp ऑन करना, तो आप अगर फिर से WhatsApp को ऑन कर लेते हैं तो क्योंकि आपने रिसेंट टैब से उसको क्लियर नहीं किया था, तो आपके फ़ोन के प्रोसेसर को कम ताकत लगाना पड़ता है, आपके फ़ोन का जो बैटरी भी है वो भी बच जाएगा और प्रोसेसर है वो भी बच जाएगा। मतलब प्रोसेसर को ज़्यादा ताकत या फिर ज़्यादा रिसोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि पहली बात तो टाइम कंज्यूम कम होगा, WhatsApp जल्दी से ओपन हो जाएगा फ़ोन में, और जिससे आपका फ़ोन फास्ट भी रहेगा, जल्दी से खुलेगा WhatsApp। लेकिन उल्टा अगर आप अपने रिसेंट टैब से WhatsApp या फिर मैं यहाँ पर WhatsApp का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐप ऐसा है जिसको आप अपने टैब से काट देते हैं, तो फिर आप जब दोबारा उस ऐप को बाद में चालू करते हैं तो क्या होता है कि उसमें नए तरीके से, मतलब एकदम फ्रेश तरीके से उस ऐप को वापस से चालू करने के लिए फ़ोन का बहुत ज़्यादा रिसोर्स उसमें वेस्ट होता है। आपके प्रोसेसर को उसमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और जो है फिर से उस ऐप को ओपन करने के लिए आपका बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, जिससे फ़ोन आपका स्लो हो जाएगा। मतलब उतना तो नोटिसेबल नहीं है, लेकिन है वो फ़ोन, मतलब फिर से ओपन करने के लिए WhatsApp को थोड़ा सा ताकत लगता है जिससे फ़ोन स्लो हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सो यहाँ पर अगली जो चीज़ है, ये लोग मतलब कमाल करते हैं कि जब नए फ़ोन आप खरीद के लाते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि फ़ोन को 8 घंटा 12 घंटा नया फ़ोन या फिर नया लैपटॉप जो भी है उसको 8 घंटा 12 घंटा तक आप लोग चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया दुकानदार ने बोल दिया था ये फ़ोन ले जाइयो और इसको 8 घंटा तक चार्ज कियो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से मतलब ये घटिया सी चीज़ है, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इसका। क्योंकि आजकल के जितने भी फ़ोन, जितने भी चार्जर्स वगैरह आते हैं जो नए मॉडल्स हैं, उन सब में ही ओवर चार्जिंग का प्रोटेक्शन होता है, जिससे अगर आप 8 घंटा या फिर 12 घंटा चार्ज में लगाते भी है तो भी फ़ोन फुल चार्ज हो जाने के बाद एक वन वोल्ट भी फ़ोन के अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ओवर चार्जिंग का प्रोटेक्शन है। जब भी आपका फ़ोन 100% तक चार्ज हो जाएगा वो ऑटोमेटिक कनेक्शन कट हो जाता है, जिससे कि ओवर चार्ज ना होकर बैटरी एक्सप्लोड ना कर जाए, बैटरी फट ना जाए देसी भाषा में बोले तो ऐसी चीज़ है। अब 8 घंटा 12 घंटा कौन चार्ज देता है भाई, घटिया चीज़ है, आप बिल्कुल भी मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अजीबोगरीब ऐप्स सर्च करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे सर्च करते हैं कि सोलर पैनल चार्जर, सोलर चार्जर, ऐसी चीज़ें, मतलब जिससे सोलर जो है सूर्य की रोशनी से, सन की पावर से आपके फ़ोन चार्ज हो जाएगा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त भी था जिसने, मतलब मैंने देखा कि वो प्ले स्टोर से एक ऐप ले रहा है जिसमें लिखा था कि सोलर चार्जर। मैंने बोला ये क्या कह रहे, तो देख क्या होगा। तो उसने ओपन किया और फ़ोन को ऐसे खुले में धूप में रख दिया, बोल रहा है कि इससे जो सोलर पावर है वो आएगा और उससे फ़ोन चार्ज होगा। सही में ऐसे भी होता है गाइज? इससे आपका फ़ोन उल्टा ख़राब हो जाएगा। बोलेंगे कैसे? देखिए सोलर चार्जर तो वैसे नहीं है, मतलब फ़ोन में हार्डवेयर ही नहीं है कि वो सोलर से चार्ज ले सके, जो सोलर पावर है उससे चार्ज ले सके।
वैसे कुछ ऐसे मार्केट में आते हैं जो कि सोलर चार्जर्स होते हैं, जिस जो कि सही में वो अलग से चार्जर होते हैं, मतलब वो एक अलग हार्डवेयर होता है जो जिसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है फ़ोन के साथ, तब जाके वो ऐसे चार्ज होता है। लेकिन वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि उस तरीके से आप फ़ोन को चार्ज कभी भी मत कीजिएगा। फिर भी अगर आप फ़ोन में वैसे ऐप इंस्टॉल करके फ़ोन को धूप में ऐसे रख रहे हैं, सोच रहे कि फ़ोन चार्ज होगा, मैं आपको बता दूं कि आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, क्योंकि धूप में आप जानते हैं बहुत गर्मी होता है, तो वो गर्मी आपके फ़ोन के जो मदरबोर्ड है उसमें जो छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स है और जो छोटे छोटे सोल्डरिंग वगैरह किया हुआ है वो सभी पिघल जाएंगे। अगर पिघल जाएंगे तो फ़ोन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका फ़ोन ख़त्म। ऐसी चीज़ें मत कीजिए भाई फ़ोन में। और कुछ लोग तो ऐसे भी है, मतलब वो लेते हैं क्या है, वायरलेस चार्जिंग के ऐप्स, जिससे फ़ोन को वायरलेस चार्जिंग पैड में रखने से फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। फ़ोन में हार्डवेयर ही नहीं है भैया, और आप वायरलेसली चार्ज करेंगे, धूप से चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं होता, इसको बंद कर दीजिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक इंसिडेंट बताता हूँ कि बहुत सालों पहले की बात है, जब मुझे फ़ोन और कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी नहीं पता था, फ़ोन कैसे कंप्यूटर कैसे चालू होता है वो भी नहीं पता था। तो उस वक्त नए नए स्मार्टफोन्स के दौर थे, तो मैं एक बार ट्यूशन में गया तो मेरे एक दोस्त का उस वक्त फ़ोन था, उसने नया खरीदा था स्मार्टफोन, नया खरीदा था, तो मैंने देखा कि उसके फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आया था, सॉफ्टवेयर अपडेट, मुझे कौन सा ब्रांड वो अभी याद नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट है कर, तो उसने बोला कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ोन में नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, मतलब उसने एक अलग सा लॉजिक दिया मुझे कि मान ले कि तेरा कैपेसिटी है 30 किलो, मतलब 30 किलो वज़न तू अपने कंधे पे उठा सकता है, क्या होगा कि अगर तेरे कंधे पे 100 किलो या फिर उससे ज़्यादा, 30 किलो से ज़्यादा वज़न दे दिया जाए। तो मैंने बोला हाँ यार बात सही है। फिर मुझे बाद में पता चला, मतलब जब मैं थोड़ा इस चीज़ में आने लगा कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट करनी ज़रूरी है, कंपनी इसीलिए तो भेजते हैं अपडेट ताकि आपके फ़ोन सही तरीके से चल सके, सही तरीके से सिक्योरिटी उसमें काम करे, सही तरीके से सब कुछ काम करे, फ़ोन अच्छे से स्मूथली चलते रहे। तो उस वक्त मैं बेवकूफ़ हो गया था, लेकिन आप कभी भी मत होइएगा। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, या तो कहते हैं कि यार 1.5 GB तक ही लिमिट है, क्या करेंगे अगर अपडेट कर लेंगे, या फिर डेटा नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करनी चाहिए, फ़ोन ख़राब हो जाता है। भैया अपडेट करो फ़ोन, हो सकता है कि अभी तुम्हारा फ़ोन स्लो चल रहा है, अपडेट करने के बाद स्मूथ चलने लगे, ऐसे भी होते हैं। तो फ़ोन को, और फ़ोन सिर्फ नहीं, किसी भी चीज़, कंप्यूटर लैपटॉप कोई भी चीज़ है, सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो ज़रूर से कर लेना। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन लोगों को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते DSLR खरीदने के लिए, तो बहुत लोग प्ले स्टोर से DSLR वाले ऐप लेते हैं, जिससे कि मतलब लिखा होता है कि बैकग्राउंड बोके इफेक्ट और जो भी है, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। सुनो भैया, अगर ऐसे ही ऐप, फ्री ऐप वगैरह से अगर आपका फ़ोन ही DSLR बन जाता तो ये DSLR के कंपनीज कब का बंद हो चुके होते हैं। ऐसे नहीं होता है, DSLR में हार्डवेयर वैसा होता है, सेंसर वैसा होता है, उसमें अलग से इतना बड़ा आपके मोबाइल फ़ोन के साइज़ के जितना उसमें भैया लेंस लगते हैं, तब जाके आपको बोके इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट या फिर जो भी अच्छी क्वालिटी आपको मिलता है। फ़ोन के सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता है, वो सब मतलब वो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कि प्ले स्टोर में इसलिए डालते हैं, जिसको आप सिर्फ ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, आपको सिर्फ ऐड दिखाएंगे, ऐड से उन लोगों को पैसे मिलते हैं, आपका मतलब आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की फालतू की चीज़ें मत कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस तरीके की टेक मिथ्स के वीडियो और चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, तो टेक मिथ्स के वीडियो में पार्ट टू क्या पता मैं ला दूँ। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मज़ा आएगा। नमस्कार।